अंत समय में वो धृतराष्ट्र बातें करता और कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को न्याधी रज धरता। कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को न्याधी रज धरता। अरे महाभारत के अंत समय में धृतराष्ट्र बातें करता, कृष्ण जी समय जा मुझको मेरा मन को न्याधे रज धरता। रे कृष्ण जी समय जा मुझको मेरा मन को न्याधे रज धरता। अरे 100 जन्मों की धन्यवाद मुझे आपसे देवधीर सिंह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वाने कही रूप बसंत की माने देवधीर सिंह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चों की तुम रक्षा करोगे, तो बेटा आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि मेरी इज्जत बचाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बेटा। और भगवान श्री कृष्ण के सामने बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, 100 जन्मों की याद मुझे, 100 जन्मों में था राजा, कोई ऐसा कर्म किया ना जो मेरे आगे आ जा, पहले किया नेत्रहीन बचपन से बुढ़ापा भी आ गया, 101 रहे ना बेटा जो मुझको पानी प्याजा, जो मुझको पानी प्याजा, जो मुझको पानी प्याजा। अरे और भगवान दूसरी बात सुनो, ऐसा मेरे सामने कोई कर्म नहीं किया मैंने जो मेरे आज सामने आया है। भगवान श्री के सर पर नहीं रुका गया, तुमने गलत काम नहीं किया कि मैंने गलत काम किया ही नहीं है। तो देखिए भगवान श्री के सर क्या पोल खोल रहे हैं धृतराष्ट्र की। कोई बात, हेलो 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 हेलो, देंगे यार अपने ये भी तो अपने ही। ये बिहारी कहते हैं ये सुरर सुरर क्या होता है। कोई बात ना, ये तो काम रहने बेटा। भगवान श्री कृष्ण की क्या, यानी श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र की क्या पोल खोलेंगे भाई, सभी ध्यान सुनेंगे। अब बात आ रही है सुनने लायक। इतनी सुन कर कृष्ण ने बोला आगे की सुन ले वाणी, 100 जन्मों में था तू राजा, गांधारी तेरी रानी। अगले जन्म में तू राजा था कि हाँ, ये गांधारी जो है वो भी तेरी रानी थी कि हाँ महाराज है, थी तो सही, लेकिन तेरे बाग तू एक राजा था, तो तेरी राजधानी में यानी तेरे गांव में तेरी शहर में एक बाग था तेरा ही, कि हाँ एक बाग भी था, बाग में एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता था, कि हाँ याद तो है। एक हंस और एक हंसनी तेरी शरण में आ गई, एक हंस और एक हंसनी तेरी शरण में आ गई, 101 दिए थे बच्चे बाघ हंसनी ब्यागी, रे बाघ हंसनी ब्यागी, रे हो बाघ हंसनी ब्यागी। अरे चले गए वो हंस हंसनी, यानी 101 बच्चे देकर हंस और हंसी चले गए चुगा करने के लिए बाहर, लेकिन उनकी देखभाल कौन करता, चले गए वो हंस हंसनी देखभाल माली करता, कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को न्याधी रज धरता, कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को न्याधी रज धरता। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारे एक बाग था, हलो, 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 हलो। बाग में हंस हंसनी का जोड़ा ने 101 बच्चे दिए, कहा केशव जी दिए तो सही, पर तुमने उन 101 बच्चों के साथ में क्या काम किया,
मुझे याद नहीं है। तुम झूठ बोले, तुम सारी बात याद है। तुमने उनकी रक्षा करनी थी लेकिन तुमने उनकी रक्षा नहीं की, तुम भक्षक बन गए। एक दिन आ की बात शिकारी, एक दिन आ की बात शिकारी, एक बच्चे को ले आया। एक दिन आ तू बन के शिकारी, एक बच्चे को ले आया। उस बच्चे की बना के सब्जी बड़े स्वाद से तू खा गया। एक के करके सबको खा गया, ना मन में तू घबराया। वापस लौटे हंस हंसनी, बच्चा नहीं नजर आया रे, बच्चा नहीं नजर आया रे, बच्चा नहीं नजर आया। रो रो के दोनों अंधे हो गए, रो रो के दोनों अंधे हो गए, कोई जोर नहीं चलता। कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को ना धीरज धरता, कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को ना धीरज धरता। देखिए मेरी बस्ती माता के लिए रिश्तेदार हों या गांव के हों, धन्यवाद। मेरा छोटी सी पार्टी का हरिओम शर्मा एंड पार्टी का सभी 50-50, 100-100, 10-10, 20-20 रुपए से मान सम्मान करें। बार बार धन्यवाद। जुग जुग जियो मेरी हिमायू पर बस्ती। अब तुमने 101 बच्चे खाए, क्या? हाँ मैंने खाए, याद आ गई। आई तो तन याद धर्म की अंत समय पे। अब क्या शराब दिया? अरे शराब दिया उन दोनों ने, और श्राप दिया उन दोनों ने, तू जन्म से अंधा हो जाएगा। 101 होंगे बेटे, 101 होंगे बेटे, उन सबको तू खाएगा। अपने और पराए की तू शकल नहीं देख पाएगा। गुरु लखीराम, लखीराम तेरी कलम चलेगी, धर्मपाल भी गाएगा रे, धर्मपाल भी गाएगा रे, धर्मपाल भी गाएगा रे। खोटे काम, खोटे कर्म किए थे तूने, खोटे कर्म किए थे तूने, अब क्यों नीर बहाता। कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को ना धीरज धरता, कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को ना धीरज धरता। अरे महाभारत के अंत समय में धृतराष्ट्र प्रश्न करता, कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को ना धीरज धरता, कृष्ण जी समझा मुझको मेरा मन को ना धीरज धरता।